तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रो हाइड्रोपोनिक पे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हाइड्रोपोनिक में स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स को सक्सेसफुली कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने हमारे फेसबुक चैनल एग्रो हाइड्रोपोनिक ऑफिशियल पे पूछा था कि सर, आप कैसे हाइड्रोपोनिक में स्ट्रॉबेरीज को सही तरीके से सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं। इस पर आप एक वीडियो बनाइए जिस पे आप हमें गाइड करो कि हाइड्रोपोनिक में स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स को सक्सेसफुली कैसे ग्रो कर सकते हैं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स को तीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से प्लांट लाके, सीड्स के थ्रू और रनर्स से। आज हम इस वीडियो में स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स को नर्सरी से लाके ग्रो करना बताएंगे। ये हमारे नर्सरी से लाए गए प्लांट्स हैं। अब हम इन प्लांट्स की मिट्टी को हटाएंगे। प्लांट्स की मिट्टी को धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हटाना ताकि प्लांट्स की रूट्स डैमेज ना हो जाए। ये हमने मिट्टी को हटा दिया। हम प्लांट्स की रूट्स को नॉर्मल वाटर में वॉश करेंगे, हल्के हल्के हाथों से करना है ताकि रूट्स डैमेज ना हो जाए। अब हम ऑर्गेनिक फंगीसाइड का नॉर्मल वाटर में एक मिक्सर बनाएंगे। अब इस मिक्सर में हम प्लांट्स की रूट्स को वॉश करेंगे ताकि जो भी प्लांट्स की रूट्स में जो फंगस रह गया है वो ख़त्म हो जाए। अब हम दोबारा नॉर्मल वाटर में प्लांट्स की रूट्स को वॉश करेंगे। अब हम प्लांट्स को नेट पॉट में शिफ्ट करेंगे। हम 3 इंच का नेट पॉट यूज़ करते हैं। आप 2 इंच का नेट पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, 4 इंच का भी कर सकते हैं, 5 इंच का भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो यूज कर सकते हैं। हम 3 इंच का नेट पॉट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनका फैलाव सही तरीके से हो जाए। हम कोकोपीट यूज़ करेंगे। आप लोग क्ले पेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम कोकोपीट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि प्लांट्स की रूट्स सही तरीके से फैल जाएं, और अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाए तो जो कोकोपीट का मॉइस्चराइज़र है वो प्लांट्स को सही रख सके, क्योंकि कोकोपीट में वाटर जल्दी ड्राई नहीं होता है। ये हमने प्लांट्स को नेट पॉट में शिफ्ट कर दिया। अब हम न्यूट्रिएंट मिक्स बनाएंगे। न्यूट्रिएंट मिक्स के लिए एनपीके 19:19:19, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे एप्सम साल्ट भी बोला जाता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ करेंगे। हमें पर प्लांट 1 लीटर से 1.5 लीटर के बीच में वाटर चाहिएगा। स्टार्टिंग फेज में पीपीएम का लेवल हमें 250 से 300 के बीच में रखना है, और पीएच का लेवल 5.5 से 6.5 के बीच में रखना है। हमें पीपीएम का लेवल प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है। नॉर्मली 2 वीक के बाद में हमें 30 से 50 के बीच में पीपीएम को इंक्रीज करना है। एनपीके 19:19:19 की जगह 0:52:34 यूज करना है, क्योंकि पी बढ़ाता है।
इस स्टेज पे हमें पीपीएम को 450 से 500 के बीच में रखना है और पीएच का रेंज 5.5 से 6.5 के बीच में रखना है। वैसे तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट सेल्फ पोलिनेट होते हैं। अगर आपके प्लांट पोलिनेशन नहीं करते हैं तो आप अपने हाथों से भी उन्हें पोलिनेट कर सकते हैं। हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज करना है ताकि स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स में रूट रॉट्स नहीं हो, और साथ ही में हमें एयर पंप का भी यूज करना है। अगर आप डीएफटी सेटअप यूज कर रहे हैं तो आप मोटर को मॉर्निंग 8 AM से इवनिंग 6 PM तक चला सकते हैं। आपको 24 घंटे चलाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप एनएफटी सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप 1 आवर का गैप देके मोटर को बंद कर सकते हैं, फिर 1 आवर बाद में आपको मोटर स्टार्ट करना है। अब हमारे प्लांट फ्रूटिंग स्टेज पे आ गए। फ्रूटिंग स्टेज पे हमें एनपीके 0:52:34 की जगह 4:18:38 यूज करना है और साथ में कैल्शियम नाइट्रेट, एप्सम साल्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करना है। अगर आपके पास एनपीके 4:18:38 अवेलेबल नहीं है तो आप एनपीके 19:19:19 भी यूज कर सकते हैं, 20:20:20 भी यूज कर सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज पे पीपीएम का लेवल 600 से 700 के बीच में रखना है और पीएच का लेवल 5.5 टू 6.5 के बीच में रखना है। कई लोगों का कहना होता है कि आप पीपीएम का लेवल 1400 भी रखोगे 1500 भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन स्ट्रॉबेरी के प्लांट में हमें पीपीएम का लेवल 600 से 700 के बीच में रखना है। आप देख सकते हैं हमारे प्लांट कितने अच्छे तरीके से फ्रूटिंग कर रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।